जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। दोस्तों ये खबर होने वाली है इंडियन नेवी को लेकर। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक हो गया है क्योंकि भारतीय नौसेना के दो फ्रंटलाइन युद्धपोतों 15B डिस्ट्रॉयर सूरत और 17A फ्रिगेट उदयगिरी को परीक्षण के लिए समंदर में उतार दिया है। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में मंगलवार को लॉन्च किए गए दोनों जहाजों के अलग अलग कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि रहे। इन जहाजों के निर्माण में 75% स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है जो समुद्री जहाजों के निर्माण में देश की आत्मनिर्भरता का साधारण उदाहरण है। दोस्तों इसी न्यूज को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का जहाज INS सूरत भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी का स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है जिसे मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। सूरत प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स का चौथा जहाज है जो P-15A कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत है। इसका नाम गुजरात राज्य की वाणिज्य राजधानी के नाम पर रखा गया है जो मुंबई के बाद पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्य केंद्र भी है। सूरत शहर का समुद्री जहाज के निर्माण में बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ 16वीं और 18वीं शताब्दी में निर्मित जहाजों को उनकी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। दोस्तों ऐसा भी बताया गया है कि कुछ जहाजों 100 वर्षों से ज़्यादा कार्यकृत रहे। P-15B श्रेणी के विध्वंसक जहाज हिंद प्रशांत के बड़े महासागरों में अहम भूमिका निभा सकते हैं जिससे भारतीय नौसेना को समुद्र शक्ति बनने में मदद मिलेगी। युद्धपोत INS सूरत को ब्लॉक निर्मित पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15B के पहले जहाज INS विशाखापट्टनम को 2021 में कमीशन किया गया था। इस श्रेणी के दूसरे जहाज मुरगांव को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और इसे बंदरगाह परीक्षणों के लिए तैयार किया जा रहा है। तीसरा जहाज इम्फाल वर्ष 2019 में लॉन्च हुआ था और यह अपने निर्माण के एडवांस चरण में है। आज लॉन्च किया गया सूरत प्रोजेक्ट 15B का चौथा जहाज है। ये सभी जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हैं। इन जहाजों में स्वदेशी टोरपीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76mm सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां हैं। और दूसरी ओर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। ये परियोजना के 6 स्वदेशी युद्धपोतों का नामकरण 1972 और 2013 के बीच भारतीय नौसेना में कार्यरत रहे पुराने वर्ग के जहाजों के आधार पर किया गया है जिसमें नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और उदयगिरी, दुनागिरी और विद्यागिरी के हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले दो जहाज नीलगिरी को 2019 में और हिमगिरी को 2020 में लॉन्च किया गया था। ये बेहतर स्टील फीचर, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। ये P-17 फ्रिगेट का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें बेहतर हथियार और सेंसर प्रणाली लगी है। युद्धपोत उदगिरी लिंडर क्लास के ASW फ्रिगेट का पुनर्जन्म है जिसने 18 फरवरी 1976 से 24 अगस्त 2007 तक 3 दशकों में देश की अपनी शानदार सेवा के दौरान कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन देखे थे। नौसेना को इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत साल 2023 में और दूसरा और तीसरा युद्धपोत साल 2024-25 में उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों इस खबर से इंडियन नेवी के फ्यूचर का प्लान का पता लगता है कि आने वाले समय में इंडियन नेवी और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। इंडियन नेवी का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शक्तिशाली होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन की तरफ से हर रोज नई नई चुनौतियाँ हमारे क्षेत्र में पैदा करना है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंडियन नेवी का सशक्तिकरण जरूरी भी हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।